हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेम के अंदर केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल और उसके बाद पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल को अगर हम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इसके लिए इसमें हमें रिएक्शन भी लिखनी होती है और रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें फिनॉल का फॉर्मूला चाहिए। तो अगर हम बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा देते हैं तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करते हैं यानी कि फिनॉल और जिंक को जब हम हीट करते हैं तो हमें बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन में सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम की प्रेजेंट में हीट करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सोडियम बेंजोएट को। तो बेंजीन पर अगर हम COONa लगा देते हैं तो इसे हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। और सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम के साथ करते हैं और सोडा लाइम जो होता है वो NaOH और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है इसके साथ करते हैं और तो हमें बेंजीन और Na2CO3 प्राप्त होता है। तो ये थी बेंजीन की प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल और फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।